लिखिए, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, सपोज इट इज एट पॉइंट पी, इट इज एट पॉइंट पी विथ अ वेलोसिटी वी, विथ अ वेलोसिटी वी अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर एंड अ वेलोसिटी यू, एंड अ वेलोसिटी यू अलोंग पी बी, अलोंग पी बी ड्यू टू रोविंग, आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, ड्यू टू रोविंग, आर ओ डब्ल्यू आई एन जी फुल स्टॉप. हैंस टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वी, हैंस टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वी, हैंस टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वैक्टर, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वैक्टर विच आर v cos theta and v sin theta, which are v cos theta and v sin theta, comma the radial and transverse velocities are, the radial and transverse velocities are. देखिए जनरली रेडियल वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, अगर ये लाइन होती है तो इस दिशा में हम लोग कहते हैं dr by dt. इसका क्या मतलब हुआ, फिक्स पॉइंट से भागते हैं, तो अगर हम फिक्स पॉइंट से भागेंगे तब आपकी वेलोसिटी होगी डी आर बाई डी टी. और भागने का मतलब ये वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा माइनस यू, ये डी आर बाई डी टी हो गया. और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब जब ये भागते हैं तो इससे ऊपर की तरफ, ये भागते हैं तो इससे ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा, आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा. ये हमारा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया. इक्वेशन निकालना है तो डी टी को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू कॉमा वी गेट, मिलेगा डी आर बाई डी टी होल अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस यू अपॉन माइनस वी साइन थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट डी आर बाई आर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस यू अपॉन माइनस वी साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा. डायग्राम आपका बन ही चुका है. मिलेगा इससे, दिस इंप्लाइज दैट डी आर बाई आर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ लेंगे, v से v कटेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, और ये इसको इसके साथ लेंगे प्लस u अपॉन v ऊपर की तरफ आएगा cosec थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा. इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा v गेट, इंटीग्रेट करते मिलेगा इंटीग्रल डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कॉट थीटा डी थीटा प्लस यू अपॉन वी, दोनों कांस्टेंट था, कॉसेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट लॉग आर इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू आती है लॉग साइन थीटा प्लस यू अपॉन वी, कॉसेक थीटा की जगह आता है लॉग टेन थीटा बाई टू, साथ में एक कांस्टेंट जोड़ दे रहे हैं लॉग सी.
This implies that log r is equal to, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ये इधर आएगा तो आएगा log साइन पे थीटा पे पावर माइनस वन प्लस यू अपॉन वी log टेन थीटा बाई टू प्लस log c. This implies that log r is equal to log cosec theta plus u upon v log tan theta by 2 plus log c. This implies that log r is equal to, इन दोनों को साथ लेंगे तो log c into cosec theta प्लस u अपॉन v log tan theta by 2. This implies that यही मान लीजिए which is the equation of which is the equation of path. If case 2 कहता है u is equal to v, then log r is equal to log c cosec theta plus log tan theta by 2. This implies log r log c cosec theta into tan theta by 2. ठीक है, इतनी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को. दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू सी कॉसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं, जगह नहीं है यहाँ मेरे पास, या आर इज इक्वल टू सी कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा बाय टू. इधर कर रहे हैं देखिएगा, ये r इज इक्वल टू c cosec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और tan थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2. दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू c साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2. दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू c अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इम्प्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू c बाई r. दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू c बाई r. यही पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. पूरा उतार डालिए. पूरा का पूरा उतार लीजिए.
हो गया भाई, चलिए फटाफट लिखिए। नीचे से लिखिए, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट लिखिए, एन इंसेक्ट, आई एन एस ई सी टी, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, एन इंसेक्ट क्रॉल्स, सी आर ए डब्ल्यू एल एस, क्रॉल्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट यू, एट अ कॉन्स्टेंट रेट यू अलोंग द spoke of a cart wheel, spoke मतलब होता है तिल्ली, जैसे आप लोग साइकिल का पहिया देखते हैं उसमें पतली पतली तिल्ली लगी रहती है उसको spoke बोलते हैं, cart wheel मतलब गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, जैसे जनरली आप लोग बैलगाड़ी वगैरह देखते हैं तो लकड़ी की गाड़ी का व्हील मतलब पहिया, ठीक है, स्पोक मतलब तिल्ली, लकड़ी की गाड़ी के पहिए के तिल्ली की बात हो रही है। एंड इंसेक्ट क्रॉल्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट यू, एन इंसेक्ट आई एन एस ई सी टी, इंसेक्ट क्रॉल्स सी आर ए डब्ल्यू एल एस, क्रॉल्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट यू along the spoke of a cart wheel of radius small a, full stop, the cart is moving with velocity v, the cart is moving with velocity v, then find the acceleration along and perpendicular
along and perpendicular to the spoke. Then find the acceleration along and perpendicular to the spoke. Then find the acceleration along and perpendicular to the spoke. देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक गाड़ी का पहिया है ये उसका सेंटर है। मान ले रहे स्टार्टिंग में कोई पार्टिकल ओ पे है और ये हमारी तिल्ली की पोजीशन है, मतलब स्पोक की पोजीशन है ओ ए, ये रही तिल्ली, इसी तिल्ली पे यहाँ पे पार्टिकल है, इनिशियली पार्टिकल, ठीक। फिर टाइम टी पे पार्टिकल हमारा इस पॉइंट बी पे आ गया, मान ले रहे इतनी दूरी ये चल दिया पी, भाई पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल था या यहाँ पे हमारा इंसेक्ट था, चलना शुरू किया तब तक तिल्ली यहाँ आ गई, तो यहाँ पे पी है, इसकी पोजीशन आर कॉमा थीटा है, तो ये एंगल आर होगा और ये थीटा होगा। कह रहा है कार्टव्हील लेकिन वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और पार्टिकल हमारा यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। अलोंग मतलब ये इस दिशा में, परपेंडिकुलर मतलब इस दिशा में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। देखिए चूंकि पार्टिकल हमारा या इंसेक्ट हमारा इस दिशा में बढ़ रहा है, रेडियस वेक्टर की दिशा में बढ़ रहा है, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यू, और ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो कहेंगे आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी। दिस इम्प्लाइज थीटा डॉट इज इक्वल टू वी, आर की वैल्यू है ए, सिंस आर इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज, इसको वन मानिए, इसको टू मानिए, फ्रॉम इक्वेशन वन कॉमा वी गेट डी आर इज इक्वल टू यू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल डी आर यू इंटीग्रल डी टी, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू यू टी, दिस इम्प्लाइज आर डॉट इज इक्वल टू यू, दिस इम्प्लाइज आर डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। आपको पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए आर डॉट थीटा डॉट की ज़रूरत पड़ती है, आर डॉट आर आ गया, अब रही बात थीटा डॉट की, एंड थीटा डॉट इज इक्वल टू वी अपॉन ए, फिर देखिए नाउ रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल डॉट जीरो माइनस आर की वैल्यू है थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब वी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर ही रहने दीजिए भाई। रेडियल एक्सेलरेशन हमको किस पॉइंट पे निकालना है, पी पे, पी पी आर की वैल्यू आर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस आर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आपको पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब ये वी यहाँ पे है तो आर की वैल्यू ए, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस आर वी की जगह ए ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर से आर ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू है वी बाई ए, ये ध्यान रखिएगा कि वी जब होगा तो R इज इक्वल टू ए हो जाएगा,
v पे r इज इक्वल टू a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई आर, v भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, d बाई डी टी, v बाई a को बाहर कर दीजिए, इसको करेंगे तो 2r डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, r से r कटेगा, 2v बाई a और डी आर बाई डी टी की जगह u मिल जाएगा आपको। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v u अपॉन a, सिंस v इज इक्वल टू a ओमेगा तो दिस इम्प्लाइज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a ओमेगा u ओमेगा। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए लेट द इनिशियल पोजिशन, लेट द इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्पोक इज ओ ए, लेट द इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्पोक इज ओ ए एंड दैट ऑफ इंसेक्ट इज एट ओ, एंड दैट ऑफ इंसेक्ट्स इज एट ओ, and that of insect is at O, where O is the center of, where O is the center of cartwheel at any time t, where O is the center of cartwheel, where O is the center of cartwheel, full stop, at any time t, at any time t, let the position of spoke is OB, मतलब क्या है, सबसे पहले कार्टव्हील की स्पोक ऐसे थी, पार्टिकल यहाँ था, पहिया घूमा, इंसेक्ट यहाँ आ गया, स्पोक की पोजीशन ये हो गई। ठीक है, एट टाइम टी लेट द पोजीशन ऑफ स्पोक इज OB and then the insect is at point P, and then the insect is at point P, and then the insect is at point P, full stop. Let angle AOB is equal to theta, let angle AOB is equal to theta and OP is equal to small r, and OP is equal to small r, full stop. Since the insect is crawling, since the insect is crawling at a constant rate u, since the insect is crawling at a constant rate u along the spoke, since the insect is crawling at a constant rate u along the spoke, then we have, पूरा उतार लीजिए डायग्राम भी,
चलिए नेक्स्ट लिखिए, कुछ एग्जांपल्स मार्क करिए, लिखिए एग्जांपल फोर, एग्जांपल फोर, एग्जांपल फाइव, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल टेन, ये तीनों आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने कॉपी में इंक्लूड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फाइव और एग्जाम्पल टेन, फोर फाइव और टेन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, इफ़ द रेडियल and transverse velocities, if the radial and transverse velocities of a point, if the radial and transverse velocities of a point are always proportional to each other, are always proportional to each other, and this is hold for acceleration also, and this is hold for acceleration also, then prove that its velocity will vary as, then prove that its velocity will vary as some power of radius vector, then prove that its velocity will vary as some power of radius vector, लगा लीजिए very most important। देखिए क्या कह रहा है, radial velocity और transverse velocity proportional है, radial acceleration और transverse acceleration proportional है, तो आपको प्रूफ करना है कि its velocity, its velocity का मतलब resultant velocity, its velocity will vary as some power of radius vector, ये शो करना है। लिखिए given that, सॉल्यूशन में लिखिए given that the radial and transverse velocities are proportional to each other, given that the radial and transverse velocities are proportional to each other, then
क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, कुछ इमरजेंसी थी तो हमने रोक दिया, जरा सा लिख लीजिए. गिवन दैट रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज आर डॉट इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू आर थीटा डॉट. दिस इम्प्लाइज दैट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर डी थीटा बाई डी टी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट. मान ले रहा है इक्वेशन नंबर वन. फिर देखिए, सिंस रेडियल एसिलरेशन एंड ट्रांसवर्स एसिलरेशन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इंप्लाइज दैट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट. This implies that r double dot minus r theta dot ka square is equal to lambda by r d by dt r square theta dot, where lambda is constant. ठीक है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर टू. देख लीजिए, पहले कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर करते रहिएगा. फ्रॉम इक्वेशन वन कॉमा वी गेट, इक्वेशन वन से हम लोग लिख सकते हैं थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन के आर. यूजिंग इट इन इक्वेशन टू कॉमा वी गेट मिलेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब आर डॉट अपॉन के आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट की जगह आर डॉट अपॉन के आर. दिस इम्प्लाइज दैट आर डबल डॉट माइनस ये कटेगा, आपको देगा आर डॉट का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर. ये सॉल्व करेंगे, एक आर से आर कट जाएगा, ये के भी यहाँ पे आ जाएगा के, और ये आपको देगा आर आर डॉट, मतलब आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर आर डबल डॉट. अब क्या करिए, सब टर्म्स को एक तरफ छाट लीजिए. दिस इम्प्लाइज दैट आर डबल डॉट ब्रैकेट में आएगा वन, यहाँ पे वन, और r डबल डॉट उधर जाएगा, r से r कटेगा, मिलेगा आपको माइनस लैम्डा अपॉन k इज इक्वल टू, इधर है आपका r डॉट का स्क्वायर, तो मिलेगा आपको लैम्डा अपॉन k, ये r भी कॉमन ले लेंगे, लैम्डा अपॉन k प्लस वन अपॉन k स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट r डबल डॉट आर डबल डॉट, एक आर डॉट यहाँ भेज दीजिए, इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन आर, और इसकी जगह एक कॉन्स्टेंट लगा दीजिए म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर होल अपॉन वन माइनस लैम्डा अपॉन के. अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, इसकी वैल्यू आएगी log r डैश इज इक्वल टू म्यू log r प्लस log c. आपको पता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा वन अपॉन r डॉट r डबल डॉट वन अपॉन r डॉट. दिस इम्प्लाइज दैट log r डॉट इज इक्वल टू log c into r to the power mu. This implies that r dot is equal to c r to the power mu. Now theta dot is equal to c r to the power mu upon k into r c r mu minus 1 upon k. Now velocity, मतलब resultant velocity
v इज इक्वल टू अंडर रूट r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। भाई एक वेलोसिटी होती है आपकी r डॉट, एक होती है r थीटा डॉट, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर r टू द पावर 2 म्यू प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर आर टू द पावर 2 म्यू माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब अंडर रूट में है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सी, ये सॉल्व होके देगा 2 म्यू बाहर निकलेगा तो आर टू द पावर म्यू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये वी है। दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू ए r टू द पावर म्यू वेयर a इज इक्वल टू, वेयर a इज इक्वल टू c अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर म्यू, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। उतार लीजिए पूरा। पूरा उतार लीजिए।